रईस फिल्म का एक डायलॉग है जो आज भी हर जबान पर रहता है। अम्मी जान कहा करती थी कि कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ई हुआ जनाब कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस इसे शिद्दत से करे तो सफलता जरूर कदम चूमती है। इस समय पटना के युवा देश भर में आत्मनिर्भर भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। MBA चाय वाले और ग्रेजुएट चाय वाली ने स्टार्टअप की अनोखी मिसाल पेश की है। अब एक BBA मैगी वाला भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है और बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनने की टिप्स भी दे रहा है। मार्केट में लोग चाय वाले बड़े थे और मार्केट में कुछ नया चाहिए था, तो मैगी बचपन में लोग खाते थे, बड़े होकर भूल गए मैगी खाना, तो इसलिए मैंने मैगी का स्टार्टअप किया है। BBA के स्टूडेंट भी हैं आप? हाँ, BBA सेकंड ईयर अपेयरिंग चल रहा है मेरा। काला सिंह यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से मैं स्टडी कर रहा हूँ। ये स्टॉल क्यों लगाया आपने, और भी कुछ काम कर सकते थे? जॉब कर सकता था, जॉब के लिए ऑफर भी था मेरे पास जॉब के लिए, बट सैलरी नहीं मिल रही थी अच्छी खासी, 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही थी, कोई छुट्टी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना खुद का ही स्टार्टअप किया जाए, क्योंकि मार्केट में भी यही ट्रेंड ही चल रहा है और मेरे पास भी स्किल्स है, तो क्यों ना स्टार्टअप किया जाए, तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। पटना के SK पुरी चिल्ड्रंस पार्क के पास मैगी का स्टॉल चलाने वाले ये ऋतुराज हैं। 3 भाइयों में सबसे बड़े ऋतुराज चेन्नई से BBA की पढ़ाई करके आए हैं। पिता प्राइवेट टैक्सी चलाते हैं, माँ हाउसवाइफ है और दादा दादी फुटपाथ पर सत्तू और लस्सी की दुकान चलाते हैं। तब वो तो हमारे 4 दिन से खुलवे किया है, हम बहुत दिन से बेच रहे सत्तू, आज से नहीं बहुत दिन 30-40 साल हो गया बेचते बेचते। पोता तो ये ने 4 दिन से खोला है। पोता तो पढ़ाई करता था, दुकान खोलना पड़ा, क्या करे, अब समय के बात, समय के बात है, क्या करिएगा। इसी दुकान से पढ़ाई कराती थी आप उसको कमा करके? आता तो इसी से ना पढ़ाई कराते थे, बाप माए है नहीं उसको। बाप क्या है उनके? गाड़ी चलाता प्राइवेट, गाड़ी प्राइवेट। इतना कम कमीनी में पोता को पढ़ाना, वो भी BBA पढ़ाना, कैसे हो पा रहा था? क्या करे, कैसे नमक रोटी खा खा के पढ़ा रहे, भगवान के मर्जी कुछ भी करवा सकते हैं, तो वो नमक रोटी खा खा के अब ना इतना महंगी हो गया, मगर छोटा छोटा था तो इतना सामान महंगा नहीं ना था, अब तो इतना ने महंगा, 1 गो नहीं है 3 गो है, उतना गो तीनों को पढ़ाती है? तीनों पढ़ रहा है। हाँ, तीनों पढ़ रहा है। तो पढ़ाई कर रहा है लेकिन दुकान आके खुल गया, कैसा लग रहा है? अब पढ़ाई के मतलब है कि ओकरा समय काटना है, ने उन्हें बैठ के नहीं अच्छा लगा, अपन चल आया खोल दिया, 2 पैसा कमा लेगा फिर पढ़ लेगा, ओकरे में पढ़ाइयो तो चाहिए। काफी गरीबी में पले बढ़े ऋतुराज के पिता ने चेन्नई में उन्हें भेजकर BBA करवाया था। कोरोना की मार और नौकरी की कमी के बीच ऋतुराज ने 3 साल तक 10,000 की सैलरी पर मार्केटिंग का काम किया। घर से बाहर रहकर इतने कम पैसों में ना तो वो माँ बाप का खर्च उठा पा रहे थे, ना ही वो खुद का खर्च उठा पा रहे थे। तब ऋतुराज ने BBA करके नौकरी के लिए भटकने से अच्छा नौकरी देने वाला बनने की सोची। छुट्टी में वो घर आए तो MBA चाय वाला और ग्रेजुएट चाय वाली से वो काफी प्रभावित हुए और खुद का स्टार्टअप शुरू करने की सोची। ऋतुराज की माने तो लड़कियां चाय बेच सकती हैं और आज के भारतीय युवा उनसे पीछे क्यों रहेंगे। मैं पटना का ही रहने वाला हूँ। कहाँ रहते हैं? राजीव नगर। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी प्राइवेट कार चलाते हैं। फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं है जिसके कारण आपको ये करना? हाँ, घर में सबसे बड़ा हूँ, थोड़ा सा आगे भी देखना है, फ्यूचर भी, भाई लोग को भी देखना है, घर वालों को भी देखना है, तो इसलिए अब कल भी कमाना है आज भी कमाना है, तो क्यों ना आज ही स्टार्ट किया जाए, कल का भी। क्या 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 आप बेच रहे हैं हमको ये बताइएगा पहले आप। देखिए यहाँ पे ये अभी लस्सी बना रहे हैं और ये मैगी के पैकेट यहाँ रखे हुए, जो मैगी बनाते हैं ये, और आपने देखा होगा जिस तरीके से ग्रेजुएट चाय वाली और आत्मनिर्भर चाय वाली की स्टोरी हम लोगों ने दिखाई थी। आपको बता दें कि लोग इस अनोखे प्रयास को काफी तवज्जो दे रहे हैं और काफी पसंद भी कर रहे हैं। BBA चाय वाले इनके चाय वाला पूरा वो छा गया ना।
कैसा लगा इनका लस्सी? अभी तो फर्स्ट टाइम पिया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये सी एक आर्टिकल से करता हूँ, तो फर्स्ट टाइम है, अब तो यहाँ रोज आऊंगा। आप लोग की तरह ये युवा है इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं। जॉब नहीं मिल सकता है, उतना जॉब संभव नहीं है, तो मैं खुद का अपना शॉप खोला जाए, यही मुझे राय दी है। अब काम नहीं है इसीलिए तो मैगी का स्टॉल खोले हैं, और रोजगार की कमी है और इनकम चाहिए ही हमेशा सब किसी के लिए। आपको बता दें कि बीबीए मैगी वाले ने अपने पोस्टर पर मैगी की वैरायटीज और दाम के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी तस्वीर लगाई है। उन्होंने अपने बैनर पर बड़े बड़े अक्षरों में जॉब अपॉर्चुनिटी और कम एंड स्टार्ट समथिंग न्यू फॉर ब्राइट फ्यूचर लिखा हुआ है, जो काफी प्रभावित कर रहा है। लोग अब कार से भी उनकी मैगी खाने पहुंच रहे हैं। अपनी पढ़ाई और अनुभव का इस्तेमाल मैगी की क्वालिटी को निखारने में वो मुसलसल कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार का ऋतुराज अब मिसाल बन गया है। पटना में बेवफा चाय, रैपर चाय, आईआईटीएन चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, आत्मनिर्भर चाय वाली के बाद अब ये बीबीए मैगी वाले ने धमाल मचा दी है। इस खबर को पटना से हमारे लिए फाइल किया है सुजीत कुमार गुप्ता ने। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे बिहार तक। शुक्रिया।